मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद, मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। यूपी के ललितपुर में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। युवती की मां ने तहरीर दी है, जिसमें बताया कि एसएचओ तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद से एसएचओ फरार है। वहीं एसपी ने आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सोमवार को चाइल्ड लाइन की टीम को युवती की मां ने बताया कि 22 अप्रैल को चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया युवती को बहला फुसला कर भोपाल ले गए। वहां 3 दिनों तक उसके साथ रेप किया। 25 अप्रैल को पाली कस्बे के थाने में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने युवती की मौसी को बुलाकर उसे सौंप दिया। 27 अप्रैल को एसएचओ ने बयान के लिए थाने बुलाया। आरोप है कि जहां देर शाम युवती को एसएचओ अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, 30 अप्रैल को पुलिस ने उसे फिर थाने बुलाया और लड़की को चाइल्ड लाइन भेज दिया, जहां चाइल्ड लाइन को पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी थानाध्यक्ष पाली तिलकधारी सिंह सरोज, चंदन, राजभान, हरिशंकर, महेंद्र चौरसिया और एक महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने बताया कि एक बच्ची अपनी मां के साथ थाने आई थी और उन्होंने तहरीर दी कि 22 तारीख को 4 लड़के उन्हें अपने साथ लेकर गए और उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वो पुलिस थाने आए, जहां थाना इंचार्ज ने भी उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। वहीं ललितपुर दुष्कर्म घटना पर भानु भास्कर एडीजी कानपुर जोन ने बताया कि ललितपुर जनपद में दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज किया गया। हमें मिले तथ्यों के आधार पर विवेचना कर 4 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी नामजद लोगों के गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मामले में थाना प्रभारी की संलिप्तता को देखते हुए उनको सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है। समस्त थाना पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिससे जांच प्रभावित ना हो सके। घटना के संज्ञान में आते तत्काल रूप से एफआईआर को रजिस्टर किया गया। एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद से वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर गए और पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रेंज झांसी, झांसी से ललितपुर के लिए तुरंत मौके पर गए। मौके पर जाके घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ में फॉरेंसिक टीम जो है वो लग के वहाँ पर सारे तथ्यों को इकट्ठा की। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उसके उपरांत विवेचना के उपरांत उसमें लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगभग 7 टीमें लगातार काम कर रही हैं। साथ में और तथ्य इकट्ठा करने के लिए डीआईजी रेंज झांसी के अंदर तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके साथ जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।